नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं फोटोशॉप और फोटोशॉप में इमेज मेनू को देख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं एडजस्टमेंट में के अंदर जो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, इसका यूज कैसे करते हैं। दोस्तों हमने ये इमेज ले रखा हूँ, इस इमेज पे हम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। हम इमेज के अंदर जाते हैं और एडजस्टमेंट में जाने के बाद ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और लेवल और कर्व्स और एक्सपोज, ये चारों का बेसिकली किसी भी इमेज को ब्राइटनेस करने के लिए या कंट्रास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हम फिलहाल ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। हमें क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर इधर करेंगे तो ब्लैक की ओर जाएगा और इधर करेंगे तो ये वाइट होता चला जाएगा। और इसी तरह से कंट्रास्ट का भी, अगर मान लीजिए इसको हम कम कर देते हैं, कंट्रास्ट भी करते हैं तो ब्लैक और वाइट, ये इधर करेंगे तो एकदम कंट्रास्ट बनाएगा और इधर करेंगे तो फेड करेगा। तो इसका रीजन क्या होता है, अगर हम किसी भी इमेज, हम एक नया पेज लेते हैं, इसको समझने के लिए हम एक नया पेज लिए और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से वाइट करते हैं इसको और फिर इसको ऐसे करते हैं। अभी आप देख सकते हैं इधर ब्लैक है, इधर वाइट है। अगर आप यहाँ से जाके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट बढ़ाते हैं, अगर इधर करते हैं तो देखिए ये वाइट होते चला गया और इधर करते हैं तो ये ब्लैक की ओर चला जाता है। और इसी तरह से इसको अगर इधर करते हैं तो वाइट जाएगा और इधर करेंगे तो ब्लैक बनेगा। तो इसी पे सिर्फ और ब्लैक और वाइट को ही एडजस्ट करता है ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अगर आप इस इमेज पे यूज करते हैं, हम अगर यहाँ से जाते हैं एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस पे, तो यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने इमेज के अकॉर्डिंग कि आपको किस टाइप का इमेज चाहिए। ये देखिए हमने इसको एडजस्ट कर दिए। अगर इसको कंट्रोल जेड करते हैं आप देख सकते हैं इसको कुछ इस टाइप से। अगर दोनों इमेज में हम फर्क करते हैं, अगर हमें ये कर दिए और एक कंट्रोल डी करते हैं, फिर देखते हैं कितना डिफरेंट हुआ है। तो कंट्रोल जेड करते हैं, अभी आप देख सकते हैं दोनों इमेज में कितना सा डिफरेंट हो गया है। ये हमने ब्राइटनेस कर दिए थे इस इमेज को और ये नॉर्मल है। तो ब्राइटनेस का यूज ऐसे किया जाता है। और एक और ऑप्शन है ब्राइटनेस करने का, अगर मान लीजिए हम अभी हटा देते हैं इसको, एक और आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से डुप्लीकेट पहले कर लेता हूँ इस इमेज को, फिर देखते हैं। एक क्या है कि आप लेयर में जाके भी इसको ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेयर के नीचे यहाँ पे इसके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का ऑप्शन है, आप यहां से सेट कर सकते हैं। देखिए तो इसमें क्या होता है कि ये आप कभी भी इमेज के ऊपर से इसको हटा सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं यहां से भी इसको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कर सकते हैं और यहां से मोड को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस टाइप से चाहिए। देखिए तो इसमें ये ऑप्शन आ जाता है कि आप मोड के अंदर से भी कर सकते हैं और इसको ज्यादा कम भी कर सकते हैं यहां से। तो ये था दोस्तों ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का यूज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।